नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं संतोष आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियन फार्मर चैनल में। किसान भाइयों, आज की कुछ बात ऐसी है, आज हम जानेंगे मल्चिंग बिछाने की जो मशीन है, टेक्नोलॉजी एक नई आई है उसके बारे में आज जानने वाले हैं। तो किसान भाइयों देखिए, हम लोगों ने इसके पहले भी मल्चिंग पेपर को कैसे बिछाना है इसके बारे में हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं, जो देसी टाइप से फरुआ से बिछाया जाता है उसके बारे में हम लोग देखा है कैसे, मैंने पूरा एक वीडियो किया हमारे चैनल पर, आप जा सकते हैं। उसके अलावा हमने लोगों ने मल्चिंग प्लस ड्रिप प्लस होल कैसे लेना है उसका भी एक वीडियो है। तो दोस्तों देखिए, ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए और हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जो है ज़रूर दबाइए। तो दोस्तों देखिए, पहले बात तो आती है क्या है कि हम लोग जैसे गर्मियों का मौसम चालू होता है, थोड़ा ख़त्म होने लगता है, तो वेजिटेबल फसल हम लोग लगाते हैं, उसके बाद या तो एक्जॉटिक वेजिटेबल भी हम लोग लगाते हैं, तो उसमें मल्चिंग पेपर की ज़रूरत बहुत ज़रूरी पड़ती है, क्योंकि जैसे कि वाटरमेलन हुआ, इस तरीके की फसल होती है, ज़रूरत तो पड़ती है। तो देखिए, मल्चिंग पेपर के थोड़ा सा मैं फ़ायदे आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि इसके बारे में एक वीडियो में आगे चल के लेके आऊँगा पूरा, लेकिन थोड़ा सा जनरली मैं थोड़ा सा बताता हूँ बेसिक। जैसे मल्चिंग पेपर आप बिछाते हैं तो धूप जो ऊपर से आती है, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है उसको रोकता है, उसके बाद ज़मीन में खरपतवार जो उगती है इस बेड पर जो हम लोग फसल लगाने वाले हैं, वो खरपतवार जो है नहीं आती है, उसके बाद बेड में हमेशा नमी बनी रहती है और वाइट रूट्स जो है अच्छे आते हैं, मतलब इसके अलावा भी काफ़ी सारे मतलब फ़ायदे हैं। तो दोस्तों देखिए, मल्चिंग पेपर जो है जब बिछाते हैं तो उसके बारे में एक नई टेक्नोलॉजी आई है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये एक मशीन है, तो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू पहले देता हूँ। ये पूरे ट्रैक्टर से पूरा ऑपरेट होती है ये मशीन, जैसे कि बड़े ट्रैक्टर इसमें ज़्यादा नहीं चलता, जो टायर जिसका 13-6 का है, मतलब छोटा ट्रैक्टर जो होता है मिडिल, पावर का कोई इशू नहीं है, ट्रैक्टर के चक्के का इशू, 13-6 का चक्का चाहिए। उसके बाद ये मशीन है, ये मल्चिंग पेपर के ऊपर यहाँ पे रोल सेट होता है, पीछे चक्का मल्चिंग को दबाता है और पीछे एक फरुआ की तरह दोनों साइड से है, ये मल्चिंग को पूरा ढाक देता है। तो इस तरीके से ये पूरा ऑपरेट करता है। अब ये मल्चिंग पेपर आप सोचेंगे बिछाना कब रहता है, देखिए आपका जब बेड प्रिपरेशन हो जाता है, अब बेड आप कैसे मार रहे हैं, 4.5 फीट से मार रहे हैं कि 5 फीट पर मार रहे हैं, मल्चिंग कौन सा आप बिछा रहे हैं, 4.5 फीट का बिछा रहे हैं, 5 फीट का बिछा रहे हैं, या 25 माइक्रोन, 30 माइक्रोन या 50 माइक्रोन, उसके ऊपर आपको बेड मारना पड़ता है। आप बेड पावर टिलर से मार रहे हैं या रेज़र से मार रहे हैं, कुछ दिन 2-3 दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी दोस्तों कि रेज़र से मैंने ये बेड बनाया था आपको डेमो के लिए, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मैं छोटी छोटी जानकारियाँ देता रहता हूँ। तो जब आप बेड मारेंगे उसमें बेसल डोज हो जाएगा, बेड प्रिपरेशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ दोस्तों रहती है वो क्या रहती है, ड्रिप रहती है। आपको पहले ड्रिप बिछाना रहता है, अगर डायरेक्ट मल्चिंग पेपर बिछा दोगे तो पानी कैसे दोगे, तो आपको सेंटर से ड्रिप बिछानी है, दोनों साइड से ड्रिप बांध देनी है, सब लाइन तब तक नहीं बिछानी है, क्योंकि सब लाइन जो अगर बिछा देंगे तो ट्रैक्टर कैसे चलेगा, दिक्कत हो जाएगी ट्रैक्टर को चलाने में। तो सब लाइन बिछा दी, उसके बाद ये मल्चिंग पेपर बिछाने लगे आप। तो दोस्तों इस मशीन में जो है, इसके अलावा भी एक मॉडल आता है, वो ड्रिप भी बिछाता है, खाद भी डालता है और मल्चिंग पेपर भी बिछाता है, इस तरीके से एक मॉडल और आता है। और ये जो है ये बेसिक मॉडल है, ये केवल मल्चिंग पेपर, ये मुझे थोड़ा सा बेस्ट लगा। अभी ये हमारी घर की मशीन है, लाई गई है, अभी 10-15 दिन हुआ इस मशीन को लाए गए, तो अपने खेत को मैं अपने आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मल्चिंग पेपर बिछाते समय सबसे ज़रूरी चीज़ रहता है, मल्चिंग पेपर पूरा दोनों साइड से पैक होना चाहिए, मुनना चाहिए, अंदर की हवा बाहर नहीं आनी चाहिए, मतलब बाहर की हवा अंदर नहीं जानी चाहिए, पानी भी अंदर नहीं चाहिए, इसलिए ये दोनों साइड से पूरा फरुआ देख सकते हैं पूरा ये पैक है। और ये मिट्टी डालने के लिए आगे से उखाड़नी भी पड़ेगी मिट्टी, तो आगे जो है एक दोनों साइड से खोदने के लिए भी दिया गया है, जब आगे का अंदर धंस जाता है तो मल्चिंग पूरा इधर से पूरा पैक होता है। तो ये जो बंडल है ऊपर, ये बंडल आप यहाँ से बदल भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये बंडल ना, यहाँ पे एयर लॉक है, ये लॉक अब जब आप खोलेंगे तो बंडल पूरा यहाँ से निकल जाता है, जब चाहे आप ये पूरा बंडल जो है चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे पूरा अभी देखते हैं कि मल्चिंग पेपर इसको कितना कैसे बिछता है, ये पूरा मशीन चालू करके ऑपरेट करके देखते हैं। तो ट्रैक्टर का, जैसे कि मैंने कहा, कोई भी ट्रैक्टर चलेगा, बस चक्का जो है 13-6 का रहना चाहिए। और जब मल्चिंग हमने अभी सेट किया है, सेट करने में एकदम आसान है, ऊपर सेट कर दिया, नीचे छोटी सी पाइप है, ये देख सकते हैं, इस पाइप के नीचे से मल्चिंग लेना है और ये दोनों चक्के उठते हैं इस तरीके से, ये देखिए, इस चक्के के नीचे बस मल्चिंग रख देना है और उसके बाद सीधा ट्रैक्टर चालू कर देना है। और चालू करो तो अब देख सकते हैं, यहाँ पे अभी ट्रैक्टर जब चालू हो जाएगा इस तरीके से, अब बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि चक्का सही से चले, इधर उधर ही लेना, ये देखिए, चलो अब धीरे धीरे जाने दो, ये देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से पूरा मल्चिंग आपका पैक हो जाएगा, ये देख सकते हैं, ये दोनों साइड से पूरा जाने दो, इस तरीके से पूरा पैक करेगा, ये मिट्टी डाल रहा है,
हाँ थोड़ा सा उठा दो, अगर आप ज़्यादा नीचे गहराई में लगाएंगे तो इस तरीके से फटेगा नीचे पत्थर, लेकिन इस तरीके से उठा के थोड़ा सा लगाएंगे तो ये देख सकते हैं पूरा पैक कर रहा है। ये देखिए, अब ट्रैक्टर चलाने का भी इसमें सही तरीका होना चाहिए, अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो मल्चिंग फटने की उम्मीद रहती है, लेकिन ट्रैक्टर अगर कायदे से चलेगा दोनों नालियों के बीच से सही से चलेगा। चलने दो, धीरे धीरे थोड़ा सा उठा के, तो इस तरीके से पूरा पैक हो जाएगा। अभी हमारी ज़मीन थोड़ा कंकड़ीली है, इस वजह से थोड़ा सा वो मल्चिंग फटेगा। अभी माइक्रोन, ये 20 माइक्रोन का पेपर भी है, यहाँ पे अगर 30 माइक्रोन का पेपर रहेगा तो पेपर नहीं फटेगा। ये देख सकते हैं इस तरीके से पूरा बिछ रहा है, जाने दो। मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से बिछ जाता है, देख सकते हैं ये। अब ये बिछने के बाद आप इस पर होल ले सकते हैं जैसे चाहें, बस ड्रिप आपको मैंने जैसे कहा ठीक से बांध देना। ये देख सकते हैं आसानी से दोनों साइड से ये मिट्टी डालता है, आसानी से पूरा पैक हो जाता है। ये देख सकते हैं, अब दोस्तों देखिए, ये तो ट्रैक्टर जिस तरीके से चला, अभी मल्चिंग देख सकते हैं एकदम बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे पूरा दोनों साइड से मल्चिंग देख सकते हैं पैक हो गया, एकदम बेड पूरा पैक हो गया, और इसके अंदर बीच में हम लोगों ने ड्रिप पूरी बिछाई हुई है। पहले मतलब बिछाना पड़ता है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, केवल इसमें बिछ नहीं है। उसके बाद दोनों साइड से जिग जैग आपको जैसे पौधा लगाना है उस टाइप से आप होल ले सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, आप अगर लेबर लेके, अब थोड़ा सा मैं इसके फ़ायदे बताता हूँ, आप अगर लेबर लेके इसको बिछा रहे हैं तो आपको एक एक हफ्ता लग जाता है, 4 दिन लग जाते हैं, 5 दिन लग जाते हैं, लेकिन ये मशीन अगर आप लेके इसको बिछा रहे हैं तो एक दिन में आप 1-2-4 घंटे में आगे एक आध बीघा इसको बिछा देंगे, 7-8 बंडल। 1 एकड़ में लगभग 7-8 बंडल इसके लगते हैं। ये अभी 4x1200 का बंडल है 20 माइक्रोन का, इसमें 5 का भी आता है, 4.5 का भी आता है। आप बेड़ किस हिसाब से मारते हैं, फसल किस हिसाब से लगाते हैं, उस हिसाब से आप बंडल चूज़ कीजिए। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इससे एडवांस मशीन लेते हैं, थोड़ा सा वो ड्रिप प्लस मल्चिंग प्लस खाद, तो उसमें तो खैर थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि हमेशा हम लोग नई ड्रिप तो डाल नहीं रहे, हर बार थोड़ा थोड़ा उसमें ड्रिप डालना पड़ेगा, बिछाना पड़ेगा, उसमें दिक्कत आ जाएगी। अब मान लीजिए हम लोगों ने पहले बेड बनाया और खाद ऊपर ही गिरेगा, मट्टी के अंदर नहीं जाएगा, तो सबसे बेस्ट यही रहेगा कि इस तरीके से पहले बेड प्रिपरेशन कर लीजिए और केवल डायरेक्ट मल्चिंग बिछाइए। मेरे हिसाब से तो ये सही रहेगा। और जब हम लोगों से बिछाते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा करते हैं, ये पूरा पैक हो जाता है। पूरा पैक होने के फायदे रहते हैं कि बरसात में पानी इसके अंदर नहीं जाता, सीधा नाली से बाहर चला जाता है, तो ये फायदे होते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि इसमें पैसे की बचत बहुत होती है। लेबर से हम लोग करेंगे, मान लीजिए लेबर हमारे यहाँ 700 रुपये प्रति बंडल लेते हैं, तो उनका लगभग अगर 10 बंडल हो जाएंगे 1-1.5 एकड़ में तो 7,000 रुपये हो जाता है। और ये 450 रुपये के आसपास ये बंडल लेते हैं बिछाने में, इसमें समय की बचत हो जाएगी, पैसे की बचत हो जाएगी, आपका पूरा ये पैक भी हो जाएगा। अब दोस्तों अगर इस मशीन की अगर प्राइस की बात करें तो ये मशीन लगभग 40-44 हज़ार के आसपास है, केवल ये मल्चिंग बिछाती है। और जो मशीन आती है कि ड्रिप प्लस खाद प्लस मल्चिंग, वो पूरा सब कुछ एक साथ में करती है, वो मशीन आती है 80-90 हज़ार के आसपास आती है। तो इसमें 2 टाइप आते हैं, ये बेसिक मैंने जैसे कि आपको बताया, और वो आप अगर इसमें बड़ा ट्रैक्टर डालेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत करेगा, मिट्टी नहीं डालेगा, आपका बेड़ यहाँ से क्रैक हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसी तरीके से पूरा ये मल्चिंग बिछाया जाता है। तो दोस्तों हम लोग आगे चल के ना मल्चिंग के और भी कलर सारे रहते हैं, इसमें रेड रहता है, येलो रहता है, इसमें अलग अलग कलर के मल्चिंग रहते हैं, उसके बारे में एक वीडियो लेके आएंगे जल्दी ही दोस्तों। तो दोस्तों आपको जो है आज ये वीडियो आपको कैसे लगा, ये मल्चिंग बिछाने वाली मशीन का, कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइए। दोस्तों ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए फसल के साथ, नए टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि वावर है तो पावर है। धन्यवाद।